नमस्कार दोस्तों, मैं ममता त्रिपाठी इस समय खड़ी हूँ कोठी मीना बाजार चौराहे पर। और मेरे पीछे जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है पक्षियों का आश्रय घर, जिसे बनवाया है आगरा विकास मंच ने। इस आश्रय घर की खासियत यह है कि इसमें एक साथ 3000 से ज़्यादा पक्षी रह सकेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि शहरीकरण में पेड़ पौधों की संख्या कम हो गई है, पक्षियों के रहने के लिए पेड़ नहीं बचे हैं, घोंसला बनाने के लिए जगह नहीं बची है, तो ये इसी कमी को दूर करने के लिए ये आश्रय स्थल बनवाया गया है। इसमें पक्षियों के दाने पानी की व्यवस्था होगी, ड्रेनेज का पूरा व्यवस्था की गई है, इसमें पक्षियों के झूलने के लिए झूले भी लटकाए जाएंगे। कल इसका आधिकारिक उद्घाटन होगा और ये बना है नगर निगम की जमीन पे, जो कि है कोठी मीना बाजार चौराहे के पास पुलिस चौकी के बगल में। और इस पे कोई भी व्यक्ति आके पक्षियों के लिए दाना रख सकेगा। इसमें सबसे नीचे, ये इसकी ऊंचाई करीब है 70 फीट, और इसमें सबसे नीचे की तरफ एक कमरा भी बनाया गया है जहां पक्षियों के लिए दाना पानी स्टोर करके रखा जाएगा। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो चाहेगा पक्षियों को भोजन की व्यवस्था कराना, वो यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ के और इस पे दाना रख सकेगा। राशुमा जी, ये बताइए कि ये जो आपने पक्षियों के लिए स्तंभ बनवाया, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये पक्षी घर जो है जी, ये वेस्ट राजस्थान और गुजरात के जैन समाज और सनातन हिंदू समाज के कुछ व्यक्तियों ने 200 अब तक थोड़ा इससे मिलते हुए इससे छूटे ऐसे जो पक्षी घर बनाए थे। अशोक गोयल जी जो कभी क्षेत्र बजाया के पूर्व अध्यक्ष थे, एक दिन वो निवास पर आए थे, उन्होंने इसके विषय में बताया था। जब ही परिवार में मुझसे अनुज सुनील जैन जी ने यह निर्णय ले लिया था कि परिवार की ओर से आगरा विकास मंच के माध्यम से इस पक्षी घर को, जो कि उत्तर भारत का प्रथम पक्षी घर है, उसको हम आगरा के अंदर बनाएंगे, उसी के अंतर्गत रिकॉर्ड समय में केवल 17 से 20 दिन के अंदर ये 8.5 मंजिल का 70 फुट ऊंचा पक्षी घर तैयार हो चुका है, जिसका कल शुभारंभ होगा। इसके अंदर 3000 पक्षी निवास कर सकते हैं और दाने की व्यवस्था फर्स्ट फ्लोर पर भी है और सेकंड फ्लोर पर भी है। तो पक्षियों को दाना हफ्ते में 2 दिन इसके अंदर दिया जाएगा और आगे आने वाले भविष्य में इसके अंदर घायल पक्षियों के लिए चिकित्सालय बनाने की भी परिवार की योजना है, जिसके अंतर्गत जो घायल पक्षी हैं उनको प्रॉपर से ट्रीटमेंट मिल सके। और इसका पूरे बनाने के अंदर अनुज सुनील जैन जी का बहुत बड़ा अपना सहयोग है, मैं उनकी बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। इस पक्षियों के स्तंभ को, आश्रय स्थल को बनाया है गुजरात के कारीगरों ने रिकॉर्ड 20 दिनों में, और इसको बनाने में इस्तेमाल किया गया है सीमेंट, टाइल, और इस तरह से व्यवस्था की गई है कि अंदर से ठंडा रहे, पक्षियों को इसमें गर्मी ना लगे, गर्मियों में ठंडा रहे और सर्दियों में गर्माहट महसूस हो। इसके शीर्ष पर लगाया गया है दिशा सूचक, ताकि कोई बड़ा पक्षी बैठ के छोटे पक्षियों को नुकसान ना पहुंचा सके। और ये बहुत ही देखने में आकर्षक लग रहा है। इसके रंग बिरंगी जो इस पर टाइलिंग की गई है, जो डिज़ाइन बनाई गई है, वो इस क्षेत्र के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। आगरा क्या उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में, ये अपने आप का पहला स्तंभ है जो पक्षियों के लिए आगरा विकास मंच ने बनवाया है। आप जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है आगरा की पहली और अपने आप में अनूठी बिल्डिंग, जो कि है एक पक्षी घर। और इस पक्षी घर में है 3500 पक्षियों के रहने की व्यवस्था, और जिस प्लेटफॉर्म पे ये खड़ा है, इस प्लेटफॉर्म पर नीचे की तरफ पक्षियों के दाने और खाने पानी की व्यवस्था की जाएगी। और ये जो आप छेद देख रहे हैं, इनमें पक्षी आराम से रह सकेंगे। इसमें इनके झूलने के लिए अभी लटकन लगाई जाएंगी, और नीचे बना हुआ है एक स्टोरेज रूम, जिसमें इनके पक्षियों का दाना स्टोर करके रखे जाएगा। प्लेटफॉर्म पर कोई भी व्यक्ति आकर दाना डाल सके, इसकी भी व्यवस्था आगरा विकास मंच ने की है। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये स्तंभ के रूप में, इसको गुजरात के कारीगरों ने 17 दिन में तैयार किया है। कल इसका शुभारंभ होना है आधिकारिक रूप से, और इसके बाद से इसकी कार्यशैली शुरू हो जाएगी। ये शहरी क्षेत्र में पक्षियों को बचाने का एक अनूठा प्रयास है, और इस प्रयास को सार्थक रूप देने के लिए काम किया है आगरा विकास मंच ने। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे पेज को लाइक करें।